और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मोदी के बयान का समर्थन करने वाले विजय बहादुर सिंह को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया है। विजय बहादुर सिंह यूपी के हमीरपुर से बीएसपी के सांसद है। बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी के बयानों की तारीफ की थी, कुत्ते के बच्चे और हिंदू राष्ट्रवादी, ये वो बयान थे जिसकी तारीफ विजय बहादुर सिंह ने की थी। और उसके बाद मायावती ने विजय बहादुर सिंह को निकाल दिया है बीएसपी से। पंकज झा एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मोदी की तारीफ का खामियाजा भुगतना पड़ा विजय बहादुर सिंह को? जी हाँ, मोदी की तारीफ करना बहुत महंगा पड़ा विजय बहादुर सिंह को, जो कि बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं हमीरपुर से। और तीन दिनों पहले खुद मायावती ने, जो बीएसपी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अगर वो इसी तरीके से मोदी और बीजेपी के समर्थन में बयान देते रहे तो पार्टी उनके खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है। और जिस तरीके से विजय बहादुर सिंह पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी के समर्थन में कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सभा के लिए तो 5 रुपये लोग दे रहे हैं, के नेताओं की सभाओं में तो कोई फ्री में भी नहीं जाएगा, फिर नरेंद्र मोदी का बचाव करते रहे हैं वो। उस तरीके से बयान का संज्ञान लेते हुए पार्टी ने उन्हें पार्टी से मायावती ने उन्हें बीएसपी से एक्सपेल्ड कर दिया है। और आपको बताऊं कि वो उन्हें हमीरपुर से बीएसपी ने उन्हें अपना लोकसभा उम्मीदवार भी नहीं बनाया है, क्योंकि उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह राकेश गोस्वामी को हमीरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो विजय बहादुर सिंह को, जो कि हमीरपुर से बीएसपी के लोकसभा सांसद है, उन्हें पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया गया मोदी के समर्थन में बयान देने के कारण। तो मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ा है विजय बहादुर सिंह को। बीएसपी से सांसद थे हमीरपुर से, लेकिन हमीरपुर से किसी और को बीएसपी ने सांसद लोकसभा का टिकट दे दिया, और अब पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया।